अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दूर से आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज मैं आप लोगों को डिफरेंट स्टोर्स का विज़िट करवाऊंगी। सबसे पहले जो है ना, मैं आप लोगों को सेंसबेरी का विज़िट करवाऊंगी। सेंसबेरी के अंदर आर्गोज़ है और स्पेक्स सेवर भी आ चुका है अब अंदर, और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें वगैरह सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी और कंपेयर करूँगी बाकी स्टोर्स के साथ। जो कुछ वीडियोस दूसरे स्टोर्स की जो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ उनके साथ कुछ कंपैरिजन करूँगी इनका। लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं क्लोथिंग सेक्शन है और ये फ्रूट का सेक्शन है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप लोगों के लिए एफ़र्ट की जाती है ताकि आप लोगों को जो है ना मेरी वीडियो से फ़ायदा हो, और जो चीज़ें आप लोगों को नहीं पता वो मेरे व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को पता चले। तो अच्छा, बात ये है कि 74% आई थिंक 80% नॉन सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, और बाकी 14% हैं जो देखते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन जो नॉन सब्सक्राइबर है देख कर चले जाते हैं, तो उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक बटन दबाना होता है सब्सक्राइब का, जिससे मुझे जो है ना एक आप कह सकते हैं रिवॉर्ड मिलता है आप लोगों की तरफ से, कि मैं जो एफ़र्ट करती हूँ और उसका आप रिटर्न में मुझे एक रिवॉर्ड देते हैं, तो खुशी होती है। फिर अगला व्लॉग बनाने में और ज़्यादा दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए एफ़र्ट करूँ। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों के लिए। अच्छा जी, फ्रूट सब्ज़ी वेजिटेबल सेक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। यहाँ पर डिफरेंट स्टोर्स हैं लाइक सेंसबेरी, टेस्को, आज़दा, लेडल और एक और है मुझे याद नहीं आ रहा, एलडी आई थिंक सो। डिफरेंट स्टोर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हर स्टोर की अपनी मतलब एक अपना उन्होंने प्राइस फिक्स किया हुआ है। लेकिन जो सबसे रीज़नेबल स्टोर है जो मुझे लगता है आई थिंक वो एलडी है, लेकिन वहाँ चीज़ें बहुत लिमिटेड होती हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती। और ये मैं आप लोगों को दिखाई थी कि फ़िश के प्राइस चेक करें। अच्छा, यहाँ पे भी ना काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो गई हैं। इवन के लास्ट वीक में गई थी कुछ लेने, उसकी कुछ और प्राइस थी, इस वीक गई हूँ तो प्राइस थोड़ी अप हो गई है। तो अच्छा, बात करते हैं कंपैरिजन की। तो देख सकते हैं छोटा सा पीस है 12 पाउंड का, ओह माय गॉड। अच्छा जी, पहली चीज़ एलडी, चीज़ें वहाँ बहुत लिमिटेड होती हैं, हर चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं होती। सेकंड पे लिडल, थर्ड पे टेस्को, फोर्थ पे सेंसबेरी। ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो रैंकिंग उनकी दे रही हूँ जो ज़्यादा महंगा है और रीज़नेबल है। ये यहाँ की चाय है यॉर्कशायर टी, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी। फर्स्ट पे यॉर्कशायर, सेकंड पे पीजी, अप टू यू कि आपका टेस्ट कैसा है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है। और साथ साथ आप वीडियो देखें और कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको थोड़ी सी लाइक जल्दी स्पीड में बनाऊं, लाइक स्पीड को बढ़ाकर, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आप लोग इन्जॉय भी कर सकें। अच्छा, यहाँ पर हर स्टोर में हर चीज़ जो है ना वो डिफरेंट है। लाइक मुझे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, लिडल में जो स्पाइसेस हैं वो रीज़नेबल हैं, ठीक है, लेकिन वही स्पाइसेस अगर मैं टेस्को में लेती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइक उससे एज़ कम्पेयर लिडल महंगी हैं चीज़ें, स्पाइसेस वगैरह। अच्छा जी, वो चीज़ें महंगी हैं। और इवन के अगर मैं कंपेयर करूँ लाइक आप कह सकते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, तो मुझे ऐसा फील होता है कि फ्रूट्स जो है ना वो टेस्को में सस्ते हैं और फ्रेश हैं, लिडल में वो चीज़ें महंगी हैं और काफ़ी डिस्काउंट भी टेस्को में लगा होता है। अगर आप लोगों ने मेरी टेस्को की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर वो देखें आप, उसमें जो है ना मैंने कुछ क्लब कार्ड वगैरह भी बताया, डिस्काउंट वगैरह, तो वो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये कुछ रोटियां, नान वगैरह थी जो मैं चाहिए थी, वो भी दिखाऊँ आप लोगों को। अच्छा, ये कंपैरिजन हो गया। अच्छा हाँ, एक स्टोर तो बताना ही मैं भूल गई, आइसलैंड और पाउंडलैंड, इस पर हर चीज़ 1 पाउंड की होती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होती। वो जस्ट आप लोगों के लिए है कि 1 पाउंड लिखा हुआ है, पाउंडलैंड है, लेकिन वो कोई 1 पाउंड की कोई चीज़ नहीं होती, बहुत कम होती है। लेकिन आप, मैं वो ये कह रही हूँ ना कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ चीज़ें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। ये यहाँ पर मेकअप सेक्शन था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेकअप ओवरऑल पूरे ही यूके में कह सकते हैं आप थोड़ा बहुत कॉस्टली है, लेकिन जब ब्रांड की चीज़ें आप लेंगे और अपनी स्किन के बारे में आप सोचेंगे, तो मैं तो यही कहूँगी कि जो चीज़ आपके चेहरे पे और आपके खाने पे हो तो उस पर इतना सोचना नहीं चाहिए, बल्कि ले लेनी चाहिए।
थोड़ी सी रिसर्च करके कि ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पर, मैबलिन, रेमल और काफ़ी सारे लॉरियल वगैरह, तो ये उनके कुछ प्राइजेज़ हैं। ये स्पेशली ये पार्ट गर्ल्स के लिए हैं जिनको मेकअप का शौक है। तो ठीक है, इतना ज़्यादा आप अर्न करते हैं, आप जॉब करते हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है 10-12-15 पाउंड की, लेकिन थोड़ी बहुत प्राइजेस हाई हैं। अच्छा, यहाँ पर बूट्स, सुपर ड्रग और ये है जहाँ पर आपको मेकअप वगैरह मिल जाएंगे। सुपर ड्रग थोड़ा सा मुझे महंगा लगता है, लेकिन बूट्स में कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कुछ नहीं होती। मुझे सुपर ड्रग वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और डिफरेंट स्टोर्स में लाइक मेकअप सेक्शंस होते हैं, ये सेंसबरी काफ़ी बड़ा है तो छोटे भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक होता है सेंसबरी लोकल जो छोटा स्टोर होता है, एक होता है टेस्को एक्सप्रेस आई थिंक, या वो भी छोटा होता है लाइक उसमें वो इतना बड़ा नहीं होता, और जो टेस्को एक्स्ट्रा है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब बात करते हैं प्राइजेस की, तो यहाँ पर जो टेस्को एक्सप्रेस है उसकी प्राइजेस जो है ना वो थोड़ी सी अप होंगी एज़ कम्पेयर टेस्को एक्स्ट्रा। इसी तरह सेंसबरी लोकल और जो सेंसबरी काफ़ी बड़ा लाइक जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ है, वहाँ पर भी प्राइजेस डिफरेंट होंगी। तो ये हलाल मीट का सेक्शन है और मीट के प्राइस मुझे यहाँ के और टेस्को के ठीक लगे। अच्छा, यहाँ पर आपको अज़दा, सेंसबरी, टेस्को इन जगहों पे आप लोगों को हलाल मीट मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे प्राइस इनके ठीक लगे हैं। यहाँ पर भी सेंसबरी में भी आई थिंक नेक्टर ये दिख रहा होगा पॉइंट्स, इनका भी टेस्को की तरह क्लब कार्ड कुछ सिस्टम है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे और लाइक ठीक है पॉइंट्स मिलते हैं, आप जो है ना वो पॉइंट्स सेव होते हैं। अभी मेरे टेस्को में भी काफ़ी पॉइंट्स जमा हुए हैं क्लब कार्ड के, तो टेस्को का और सेंसबरी का जो पॉइंट्स कह रही हूँ सॉरी जो मीट वाला सेक्शन है हलाल मीट, वो जो है ना सिमिलर है, इतना डिफरेंस नहीं है। वैसे मुझे सेंसबरी में ज़्यादा वैरायटी नज़र आई है एज़ कम्पेयर टेस्को। ये टॉय सेक्शन था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है टॉय सेक्शन, बच्चों को तो बिल्कुल भी मत लेकर जाइएगा अभी आप जोकिंग। अच्छा जी, तो ये सेक्शन था ट्राइस का, देख सकते हैं आप इस पे डिस्काउंट लगा हुआ है। ये छोटू सा पता नहीं क्या है, छोटी सी कार है 2.30 पॉइंट्स की। एनीवे, तो मैं यही बात कह रही थी कि हर स्टोर की अपनी अपनी एक चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग जाने से पहले मेरे ब्लॉग्स वगैरह वीडियोज़ देख लें जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। यहाँ सेंसबरी के अंदर आर्गोस हैं और एक सेक्शन है जिसमें लाइक बर्तन वगैरह आप लोग देख रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला सेक्शन। और इसकी प्राइजेस भी साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ लाइक देख सकते हैं आप 7-8 और डिफरेंट 9-10 पाउंड के हैं, और डिस्काउंट भी लगा हुआ था यहाँ पर। आई थिंक कोई सेलिब्रेशन थी आर्गोस की 50%, तो ये कुछ आर्गोस, आई थिंक ये आर्गोस का ही सेक्शन है। मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ कि आर्गोस का है कि सेंसबरी का है, लेकिन काउंटर पे आपको जाना पड़ता है, आप वहीं पे कर सकते हैं, सेंसबरी के अंदर ही है। ये बर्तन वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें, आप लोगों के लिए एफर्ट की जाती है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।